हेलो क्या बात कर रहे हो सच में? चलो भगवान की कृपा से लोन भी हो गया और घर की भी व्यवस्था हो गई। अब बस रह गया टिकट, और जल्दी से जल्दी अभी टिकट का भी इंतजाम करो। हाँ, एक हफ्ते हो गया उसका कॉलेज खुल के और एक घर की वजह से नहीं जा पाई। अच्छा, टिकट भी हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छा खुशखबरी है। अभी मैं जाके अनु को सुनाती हूँ, बहुत खुश होगी। अनु, अरे अनु। हाँ मम्मा। बेटा बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अभी अभी पापा का फोन आया था। क्या खुशखबरी है? अरे बेटा, वो लोन का भी पैसा आ गया और तुम्हारा रहने का घर भी हो गया। तुम्हें पता है उसमें एक लड़की भी रहती है, तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, दोनों साथ में मिलके रह सकती हो। सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया। क्या हो गया बेटा, इतना दुखी क्यों हो गई? जाने का मन नहीं है क्या? मम्मा, मैंने आपको पापा को कितने बार बोला है, आप लोग को लोन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोग कितना लोन भर रहे हो, पापा का स्कूटर का लोन, इस घर का लोन, उसके ऊपर आपने एक और लोन ले लिया। मैं यहाँ पे भी तो पढ़ सकती हूँ, बाहर जाके पढ़ने की क्या जरूरत? बेटा अब जौनपुर में इतना बड़ा स्कूल कहाँ है, कैसे पढ़ोगी? और रही बात बेटा लोन की, तो लोन तो हम जैसे तैसे भर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी पढ़ाई रुक गई तो क्या होगा? तुम पढ़ लिख के अगर कुछ बन जाओगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे और पापा को ही होगी ना। और तुम्हें पता है तुम्हारी टिकट भी कल सुबह की ही हो गई है। क्या कल सुबह की? आप लोग तो मुझे घर से जल्दी निकालने के पीछे पड़े हो। बेटा जाना तो पड़ेगा ही, तुम्हें पता है तुम्हारा स्कूल खुल के एक हफ्ते हो गया, लेकिन ये घर ना मिलने की वजह से और लोन का पैसा भी रुका था, इस वजह से एक हफ्ते लेट हो गया। तो अब जाओ फटाफट अपनी तैयारी करो, मैं भी तैयार करती हूँ। ठीक है मम्मा। सब रख लिया बेटा? कुछ भूली तो नहीं हो ना? नहीं कुछ नहीं भूली, सब रख लिया। कुछ नहीं भूली हो? हाँ। अच्छा, और ये क्या है? अरे हाँ मम्मा, ये तो भूल ही गई। अब बेटा तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, अब तुमको तुम्हारा ख्याल खुद रखना पड़ेगा। यार अब अभी से मत इमोशनल करो, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा ड्रामेबाज। अच्छा ये सुन, ये रहा तेरा फेवरेट अचार, जिसके बिना तुम खाना नहीं खाती हो। थैंक यू मम्मा। बेटा अब जल्दी से चलो, नहीं तो पापा बोलेंगे ना कि ये माँ बेटी का प्यार खत्म ही नहीं होता है, और ट्रेन भी छूट जाएगी। जल्दी करो फटाफट। बाय बेटा, अच्छे से जाना, फोन करते रहना, ठीक है? अरे मम्मा आप रो क्यों रहे हो? मम्मा मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। पता है ना, मैं वेकेशन के टाइम भी आपसे मिलने वापस आऊंगी और हर रोज वीडियो कॉल करूंगी। आप रो मत मम्मा। अरे नहीं, ये तो ऐसे ही पहली बार जा रही हूँ ना छोड़ के, इसके लिए। तू चिंता मत कर, मुझे पहुँचते ही फोन कर देना, ठीक है? बाय मम्मा। मम्मा आप अपना, पापा का, दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा। अंदर आ।
ऐसा लगता है अंबानी की बेटी है, एक ही रूम में वही शेयर करना है। अंदर आओ। ये ओनर भी ना कैसे कैसे लोगों को भेज देता है, अब इसको झेलना पड़ेगा। एक ही बेड है यहाँ पे, मैं सोती हूँ। तो तू हॉल में जो सोफा पड़ा है वहाँ पे सो जाना। और ये अलमीरा है, इसमें जैसे तू देख सकती है मेरे कपड़े से भरा है, तो यहाँ मेरे ही कपड़े रहेंगे। एंड वैसे भी तेरे चार जोड़ी तो कपड़े होंगे, वही हॉल में जहाँ रहेगी वहीं पे रख देना अपने कपड़े हैं। लेकिन दीदी मेरे, लेकिन कुछ नहीं, इतना ही प्लॉट तो अकेले रह ली होती ना, शेयरिंग क्यों लिया, शेयरिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, मम्मा अच्छे से पहुंच गई। ये जगह ना बहुत ज्यादा ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और तुम्हारी रूममेट जो थी वो कैसी है? हाँ हाँ हाँ, वो भी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत ही स्वीट है। अच्छा, सोने जा रही हो क्या बेटा? हाँ मम्मा। अपना रूम दिखाओ मुझे। हाँ मामा, वो क्या है ना, अभी आयु सो रही है, अंधेरा है, तो अभी दिखा रही जगह पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उठ जाएगी, और वैसे भी आपको पता है कल जल्दी उठ के कॉलेज जाना है, तो इसके लिए अभी मैं आपको कल ही दिखाऊंगी, पक्का कल दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, सो जाओ। गुड नाइट मामा। फालतू का काम करूं, मुझे जितना पैसा चाहिए मुझे मेरे डैड भेज देता है। तो रिक्शा नहीं मिली, उसके ऊपर लिफ्ट भी खराब। लगता है दीदी वॉशरूम में होंगी। सिर्फ एक ही रोटी बची है, सब्जी भी खत्म हो गई।
हाँ तो मुझे भूख लगी थी, मैंने सारी सब्जी खत्म कर दी, तो ले एक रोटी छोड़ा उसका एहसान मना। लेकिन दीदी एक रोटी में क्या होगा, इतनी मोटी वैसे ही है, खा खा के मोटी हो रही है, वजन कम हो जाएगा, एक ही रोटी खाया कर। कवार कहीं की, इसको ना मैं इतना परेशान करूंगी खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। तुम्हारा फेवरेट राजमा चावल बनाया था, वही खाने बैठी तुम्हारी याद आ गई। तुमने खाना खाया बेटा? हाँ तो मुझे भूख लगी थी, मैंने सारी सब्जी खत्म कर दी, तो ले एक रोटी छोड़ा उसका एहसान मना। अनु क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ मम्मा आ रही है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। अच्छा। हाँ मम्मी आपने खाना खाया ना? हाँ मैंने खा लिया बेटा, तुमने खाया? हाँ मैंने भी राजमा ही चावल खाया मम्मा, आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी बेटा, घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। अरे मम्मा वो भी मुझे कोचिंग के लिए निकलना है, लेट हो रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। बाय मम्मा। पीठ दर्द हो रहा है, 3 घंटे में 6 बज जाएगा, 6 बजे कोचिंग पहुंचना है, सो भी नहीं पाई, इतना कड़क है सोफा है। ये क्या आवाज थी, आयु दीदी उठी है क्या? हेलो मानसी, यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तू तो इधर आ सकती है? अरे मैं नहीं बोलती अगर इतनी खराब नहीं होती तबीयत, यार प्लीज आ जाना। अच्छा ठीक है। बस बुखार की दवाई है, मैं लेकर आती हूँ, अब इधर रेस्ट करो ठीक है? दीदी ये लो आपकी दवाई, ये खा लोगे ना तो आपका बुखार कम हो जाएगा। दीदी अभी आपने दवाई खाया है ना तो आपका बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा, मैं तब तक लिए आपके लिए पट्टी लाती हूँ ठीक है? हाँ तो
मुझे भूख लगी थी, मैंने सारी सब्जी खत्म कर दी, तो ले एक रोटी छोड़ा उसका एहसान मना। ओ मैं तो इतना गरीब नहीं हूँ ये सब फालतू का काम करूँ, मुझे जितना पैसा चाहिए मुझे मेरे डैड भेज देता है। दीदी आप चिंता मत करो, आपकी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं होगी ना कल सुबह जैसे ही क्लिनिक खुलेगा ना हम लोग डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है? अनु मैंने अपने इतने सारे दोस्तों को कॉल किया हेल्प करने के लिए मेरी, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आया, और तुम जिससे मैं इतना मीन थी उसने मेरी हेल्प की। थैंक यू अनु, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख सिखाई कि लोग पैसे से नहीं बल्कि दिल से बड़े होते हैं, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहती थी तुम मेरे साथ इस घर में रहो, तो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया जैसे तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मेरा ध्यान रखा। सॉरी अनु, और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आज से हम हर चीज़ शेयर करेंगे, मुझे माफ़ कर दो अनु, अब मैं तुम्हारी अच्छी रूममेट बन के रहूँगी। अरे दीदी आप माफ़ी मत मांगो, हम तो ऐसे ही रूममेट थे और रूममेट में तो लड़ाई होती है। हाँ अनु तुमने सही कहा। अब दीदी आप सो जाओ, आराम करो, मैं बस इधर ही, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुमसे आज ये सीखा कि लोगों का दिल नहीं उनका पैसा बड़ा होता है, लेकिन ये बात सॉरी।